हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अभिषेक्स लाइव। तो आप बता चुके हैं जी टी फाइव के कौन है वीडियो के साथ और अपनी सुपर कार्स के साथ, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं भाई, उनको तो भाई ये वाली लोकेशन काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने किया था अपनी इंडियन कार्स का वाटर टेस्ट। और भाई जो लोग ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं भाई, उनको बता दो भाई मेरा एक चैनल और भी है जो कि मेरा प्राइमरी चैनल है, वहाँ पर अपने इंडियन कार्स की वीडियोज़ डालता हूँ, तो भाई नीचे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इसी लोकेशन पर हम लोग करेंगे अपनी सुपर कार्स का वाटर टेस्ट, और भाई घुसाने वाले अपनी सुपर कार्स को गहरे गहरे पानी के अंदर, और देखने वाले ये अपनी कौन सी गाड़ी यहाँ पे अपना चैलेंज पूरा कर पाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक दिखा देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अपनी सुपर कार्स को जाना है, फिर जाते आते घुसना भाई इस गहरे पानी के अंदर, और देखें भाई कौन सी अपनी गाड़ी यहाँ पे इस गहरे पानी से निकलने के बाद भाई जिंदा बच पाती है, यानी कि इंजन चालू होना चाहिए। फिर उसके बाद अपनी सुपर कार्स को जाना है भाई यहाँ पे, भाई यहाँ से निकलना होगा, फिर पहुँचना होगा अपने इस फिनिश पॉइंट पर जो कि है भाई अपना ये आइलैंड। तो गाइस देखते हैं कौन सी अपनी सुपर कार यहाँ पे साइलेंट तक पहुँच पाती है। यहाँ पर भाई पहली गाड़ी है ये है अपनी बुगाटी, और देखते हैं गैस यहाँ पे क्या अपनी बुगाटी भाई अपना चैलेंज कर पाती है कि नहीं। तो ऑल राइट गैस, ये चली गई बुगाटी यहाँ पे, और देखते हैं गैस क्या होगा जब ये बुगाटी पानी में घुसेगी। तो भाई घुसाते हैं पानी का, तो भाई काफ़ी गहरा पानी है। ऑल राइट, ये चली बुगाटी अपनी, ओह नहीं भाई बुगाटी अपनी इस पार तो आ गई, लेकिन भाई ये गाड़ी अपनी बंद पड़ चुकी है। तो भाई यहाँ पर अपनी बुगाटी भाई अपने फिनिश पॉइंट तक नहीं पहुँच पाई, तो यार ये गाड़ी हो चुकी है फेल। तो गजब बारी आती है यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस की, और देखते हैं भाई जो अपनी उरुस है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करे। तो ऑल राइट, ये चलिए अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस, और भाई क्या लुक्स है इस गाड़ी का, और देखते हैं क्या होगा जब ये पानी में घुसेगी, और लेके चलते हैं भाई। ओहो पानी काफ़ी गहरा, और भाई घुसाने वाले अपनी उरुस को पानी के अंदर, भाई ये घुसी पानी के अंदर, और गैस यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस से भाई ये सरवाइव करके, मतलब गाड़ी पूरी पूरी पानी में घुसने के बाद भी अभी भी चालू है यहाँ पे, और भाई इसको चढ़ाना है हम लोगों को ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फिसल भी सकती है, तो काफ़ी संभाल के चलाएंगे। और फाइनली भाई पहली गाड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस पहुँची है यहाँ पे, तो मैं इसको जो है जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी मैकलैरन की, जो कि है भाई अपनी सुपर स्पोर्ट कार, और काफ़ी ज़्यादा नीचे है भाई ये गाड़ी, और देखते हैं भाई क्या ये पानी के अंदर घुसने के बाद सर्वाइव करती है कि नहीं, और लेके चलते हैं इसको अब आगे और देखते हैं क्या होता है भाई। घुसाते पानी के अंदर, और ये चली गई थी मैकलेरन। ओह क्या बात है, क्या बात है गाइस, यहाँ पे मैकलेरन भाई अंदर घुस के बाहर आ चुकी भाई, गाड़ी भी चालू है अपनी, और अब मुझे चढ़ाना है खाली इसको भाई इसके ऊपर, और मिले ना यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है अपनी मैकलेरन के पास, नीचे थोड़ी बहुत लड़ेगी जरूर। ओह भाई काफ़ी ज़्यादा नीची गाड़ी है यार ये। और राइट, तो गैस यहाँ पे अपनी मैकलेरन भी पहुँच गई है अपने फिनिश पॉइंट पे, तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी ऑडी R8 की, और देखते हैं भाई जो अपनी ऑडी है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ऑल राइट, ये चली अपनी ऑडी R8, और देखते हैं क्या भाई ये पानी को सर्वाइव कर पाती है कि नहीं। तो गैस ये चली अपनी ऑडी, और घुसाते भाई अपनी ऑडी को पानी के अंदर, और ये चली भाई, और नहीं यार बंद हो गई गैस अपनी ऑडी यहाँ पे बंद हो चुकी, मतलब पानी के अंदर घुसने के बाद भाई इसका इंजन तहस नहस हो गया भाई, गाड़ी पूरी पूरी बंद हो चुकी। तो फिलहाल अपनी ऑडी R8 भी हो चुकी है अपने चैलेंज में यहाँ पे फेल। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी जी वैगन की, जो कि काफ़ी ऊँची गाड़ी, तो देखते हैं गैस यहाँ पे जो जी वैगन अपनी कैसा परफॉर्म करती है, और मुझे लग रहा है अपनी जी वैगन काफ़ी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि यार गाड़ी की जो हाइट है वो अच्छी खासी ऊँची है। तो ऑल राइट, ये चलिए अपनी जी वैगन यहाँ पे, और भाई यहाँ पर अपनी जी वैगन भाई एक ही बार में निकल आई, मतलब जो भाई हाइट है गाड़ी को काफ़ी बढ़िया भाई, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी काफ़ी सही थी। तो फिलहाल यहाँ पर अपनी जी वैगन भाई ये काफ़ी ईजी निकल आई, भाई अब मुझे चढ़ाना है इसको ऊपर, और भाई चढ़ी जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर अपनी जी वैगन भाई, काफ़ी पावरफुल कार है। तो ये पहुँच गया अपनी जी वैगन भी अपनी फिनिश पॉइंट पे, और भाई हाइट देखो यार इस गाड़ी कितनी ऊंची है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी फोर्ड मस्टैंग मैच ई, जो कि है भाई अपनी इलेक्ट्रिक कार, और अभी स्टार्ट खड़ी, तो भाई लेके चलते हैं इसको भी, और कितनी ज़्यादा साइलेंट आ रही है, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है भाई जब अपनी इलेक्ट्रिक कार पानी के अंदर घुसती है। ओके काफ़ी सही चल रही है, और ये घुसी गाइस अपनी मैच ई पानी के अंदर, ओहो क्या बात है यार एक बार में निकल आई, यानी कि जो अपनी इलेक्ट्रिक कार भाई पानी में काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, और इसको अब चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ। ओहो और गैस यहाँ पर अपनी फोर्ड मस्टैंग मैची भी पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पर, और पहली अपनी इलेक्ट्रिक कार यहाँ तक आई है। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी मर्सिडीज़ GL63 की, और इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया, तो गैस देखते हैं यहाँ पर अपनी मर्सिडीज़ कैसा परफॉर्म करती है, क्या ये पानी से निकल पाती है कि नहीं। ऑल राइट, पानी काफ़ी करीब आ चुका है, और घुसा दें गैस अपनी GL63 को पानी के अंदर। ओहो हो, और नहीं भाई
यहाँ पे इतनी ऊंची गाड़ी अपनी GL63 भाई पानी में घुस के खराब हो चुकी है, यानी कि इसके इंजन में भी घुस गया पानी। मुझे लगा था भाई अपनी ये वाली गाड़ी भाई इस पार आ जाएगी, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे अपनी मर्सिडीज भी खराब हो गई है। तो गाइस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी फरारी 488 स्पाइडर की, और देते हैं गाइस अपनी स्पाइडर है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली भाई। सुपर कार है और भाई इसके ऊपर छत भी नहीं है भाई, कहीं पानी अंदर से घुस जा गई, और देखते हैं क्या होता है भाई जब अपनी स्पाइडर घुसती है पानी के अंदर। ऑल राइट पानी आ चुका, और घुसा दे भाई अपनी स्पाइडर को। ओ ओ ओ ओ भाई क्या बात है यार, क्या बात है भाई, एक ही बार में ड्रिफ्ट मारती है भाई जो अपनी फरारी 488 स्पाइडर भाई यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इसको ही पहुँचाता हूँ अपने फिनिश पॉइंट पे जल्दी से। क्या बात है भाई, इसके लुक्स हैं भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। कैसे बारी आती है यहाँ पे अपनी फोर्ड मस्टैंग GT की, और देखते हैं कैसे अपनी GT यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली गई अपनी फोर्ड मस्टैंग, क्या बात है, और घुसाते हैं अपनी मस्टैंग को पानी के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। क्या बात है गाइस, यहाँ पर फोर्ड मस्टैंग GT भी इस पार आ गई यार, पावर अपनी मस्टैंग में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मैं इसको भी ऊपर पहुँचा देता हूँ। ओहो थोड़ी सी दिक्कत हो रही इसको पहुँचने में, फिलहाल गाइस अपनी फोर्ड मस्टैंग भी पहुँच चुकी, और क्या ही पावर है यार इसमें, तो मैं इसको भी यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो गाइस जब बारी आती है यहाँ पर अपनी हमर H6 की, और काफ़ी लंबी गाड़ी है भाई, 6-6 टायरों वाली, और गाइस देखते हैं यहाँ पर अपनी हमर का क्या सीन रहता है। तो ऑल राइट ये चलिए अपनी हमर यहाँ पे, और घुसाते अपनी हमर को भी पानी के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। ओ ये घुसी गाइस अपनी हमर, ओ भाई कितनी आसानी से निकला है, मतलब इतनी लंबी गाड़ी, मतलब किसकी तो पानी भी कम पड़ गया मुझे लग रहा है। तो मैं इसको ही पहुँचा दूँ फिनिश पॉइंट पर, इसको मोड़ना ना सबसे ट्रिकी होने वाला है यहाँ पे, गाड़ी काफ़ी लंबी है और मैं नहीं चाहता भाई इसके डेंट लग जाए। ओके तो भाई यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं इसको, अरे भाई मोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसको। और फाइनली गाइस यहाँ पर अपनी हमर है भाई, ये भी पहुँच चुकी है भाई अपनी फिनिश पॉइंट पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान की, और गाइस देखते हैं जो अपनी सियान है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये जी भाई अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को घुसाते अपनी सियान को पानी के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। अरे भाई इतनी नीची गाड़ी भाई, पंपर लड़ गया, खैर कोई बात नहीं, काफ़ी मजबूत है भाई, खरोचे भी नहीं आई इसके। तो घुसाते अपनी सियान को पानी में, और देखते हैं क्या होता है। और ये चली गाइस अपनी सियान, और नहीं यार मुझे लगा था अपनी सियान निकल जाएगी क्योंकि भाई अपनी फरारी निकल गई थी, लेकिन गैस यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे गैस जो अपनी सियान है भाई ये डूब चुकी है पानी के अंदर, और गैस ख़राब भी हो गई है। तो फिलहाल जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है यार ये हो जाती है अपने चैलेंज में फेल। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी BMW i8 की, और देखते हैं भाई जो अपनी i8 है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली गैस अपनी BMW i8 यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है, और घुसाते अपनी i8 को पानी के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। नहीं गाइस यहाँ पे जो BMW i8 है भाई ये भी काफ़ी नीची थी, और ये भी बंद पड़ चुकी है यहाँ पे। तो फिलहाल अपनी BMW i8 भी हो जाती है अपने चैलेंज पे फेल। गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी रेंज रोवर की, और देखते हैं भाई जो रेंज रोवर भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो भाई इसको भी घुसाते हैं पानी के अंदर, और देखते हैं गाइस क्या होता है जब रेंज रोवर पानी में घुसती है। ओ ओ ओ काफ़ी संभाल के निकालते हैं, और ये घुसी गाइस अपनी रेंज रोवर यहाँ पे पानी में, और भाई एक ही बार में निकल आई, क्या बात है गाइस। यहाँ पे ऊंची गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है अपनी ग्राउंड क्लियरेंस का। तो फिलहाल अपनी रेंज रोवर भाई ये भी पहुँच गई है अपने फिनिश पॉइंट पे, तो मैं इसको भी यहाँ पे साइड में पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी ऑडी Q7 RS की, और देखते भाई जो अपनी Q7 है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई ये चल अपनी Q7 यहाँ पे, और देखते हैं क्या सीन रहने वाला अपनी Q7 का, और ये घुसी गाइस अपनी Q7 पानी के अंदर। ओ भाई एक बार में निकल आई यार, एक बार में निकल आई। तो गाइस अपनी Q7 भी हो चुकी है भाई अपने चैलेंज में यहाँ पे पास, तो मैं इसको जो है जल्दी से यहाँ पे चढ़ा देता हूँ, ऊपर चढ़ाते हैं इसको। ऑल राइट भाई यहाँ अपनी Q7 पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पे, तो इसको भी यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का चैनल भाई यहाँ पे खत्म होता है भाई, और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।